पॉजिटिव एथिज्म हिंदी चैनल प्रेक्षकों को स्वागत। प्रमुख नास्तिकोद्यम नेता श्री गौरा जी से लिखी हुई गांधी नास्तिक संवाद पुस्तक से अनेक विषयों को जान रहे हैं ना? इसी पुस्तक से श्री किशोर लाल मशरूवाला जी से लिखी हुई प्रास्ताविक में आज किशोर लाल मशरूवाला जी से पूछे गई प्रश्नों को और गौरा जी की उत्तरों को आज हम जानेंगे। मशरूवाला जी गौरा जी से पूछ रहे हैं कि इच्छा शक्ति का आप क्या अर्थ करते हैं? धार्मिक विधिनिषेधों और मान्यताओं के संस्कार से मुक्त होकर कार्य करने की स्वतंत्रता, क्या आप इतना ही अर्थ सूचित करना चाहते हैं? इस सवाल को मैं जिस तरह देखता हूँ, मुझे इससे लगता है कि श्री गौरा भी उसी गाड़ी में बैठे हैं जिसमें ईश्वर की चर्चा करने वाले आस्तिक। आस्तिक अपने मानसिक मर्यादाओं के कारण ईश्वर को नेति नाम रूप से परे समझने में असमर्थ सिद्ध होता है और इसलिए ईश्वर के नाम पर किसी इति में ही बार बार आकर स्थिर हो जाता है। इस सवाल को श्री गौरा जी ने जवाब दिया था, स्वतंत्र इच्छा शक्ति धार्मिक विधि निषेधों और मान्यताओं के संस्कार से मुक्त होकर कार्य करने की स्वतंत्रता की अपेक्षा कहीं अधिक व्यापक चीज है। मनुष्य की मनोरचना में जिस तरह राग और द्वेष दोनों साथ होते हैं, उसी तरह स्वतंत्र इच्छा शक्ति और पराधीनता की भावना यानी गुलामी की वृत्ति भी साथ ही साथ रहती है। स्वतंत्र इच्छा शक्ति से मनुष्य अनुभव करता है कि वह विचार करने, बोलने और कार्य करने के लिए स्वतंत्र है। पराधीनता से मनुष्य को ऐसा अनुभव होता है कि कोई दूसरा उससे विचार करवाता है, बुलवाता है और कार्य करवाता है। श्रद्धालुता मनुष्य में निहित पराधीनता की वृत्ति का ही एक रूप है। कारण ईश्वर श्रद्धा यह कह रहे हैं कि मनुष्य तो आखिर ईश्वर के हाथ का खिलौना है, उसे ईश्वरी इच्छा या विश्व के तंत्र के अधीन बना देती है। इसके विरुद्ध नास्तिकवाद मनुष्य में निहित स्वतंत्रता इच्छा शक्ति का स्वरूप है। श्री गौरा से मैंने जो पहला सवाल पूछा वह था, आपका अपना अंतिम तत्व क्या है? श्री गौरा ने जवाब दिया, जिसे एक वस्तु का मुझे सबसे ज्यादा निश्चय है वह है मेरी अपनी हस्ती। मृत्यु के बाद जीवन है या नहीं उसका मुझे उतना निश्चय नहीं है, इसलिए मैं कहता हूँ कि मृत्यु मेरी हस्ती का अंत कर देती है। नींद में भी मुझे मेरी हस्ती का बाण नहीं होता, लेकिन जागने पर यह बाण फिर लौट आता है। मृत्यु में ऐसा नहीं होता। मैं अपनी यह हस्ती कायम रखना चाहता हूँ, इसलिए मृत्यु को हारने का सतत प्रयत्न यही मेरा अंतिम तत्व है। मृत्यु अनिवार्य नहीं है। जिस समय जीवरस प्रोटोप्लाज्म कृत्रिम रीति से पैदा करना संभव हो जाएगा, उस समय हम सिर्फ मरण पर ही नहीं वृद्धावस्था और रोगों पर भी विजय प्राप्त कर लेंगे। संक्षेप में कहे तो श्री गौरा के मतानुसार स्व का अंतिम तत्व अमर होने की इच्छा और उसके लिए किए जाने वाला प्रयत्न है। उपनिषद के उपदेश और श्री गौरा के कथन में फर्क इतना ही है कि उपनिषद निश्चित रूप से कहता है कि स्व अजर अमर है और श्री गौरा कहते हैं कि यह स्व का ध्येय है, अभी वह सिद्ध नहीं हुआ है। हम देख सकते हैं कि जब श्री गौरा इस असिद्धि का बात करते हैं तब उनके ख्याल में शरीर होता है। अमर होने की इच्छा को और उसके पीछे रही हुई इसी श्रद्धा की यह इच्छा सिद्ध हो सकती है। वे मानकर चलते हैं और उसे गृहित सत्य की तरह पेश करते हैं। बल्कि बारीकी से देखें तो श्री गौरा के मतानुसार यह केवल श्रद्धा नहीं, श्रद्धा से कुछ अधिक वस्तु है। यह बात निर्विवाद है कि बाहर के बल उसका नाश ना कर देते हो, जीवरस प्रोटोप्लाज्म नाम का भौतिक पदार्थ वस्तुतः अमर है और जो चीज हमें सिद्ध करनी है वह उतनी ही है कि
उसकी अमरता का क्षेत्र बढ़ाया जाए, जिसमें मानव शरीर के नाम से परिचित सब कोशों को समग्र संगत को अमरता प्राप्त हो जाए। यदि एक भी प्राणी के संबंध में यह बात सिद्ध की जा सके तो उसकी सिद्ध सबके लिए ना हो सके, फिर भी सिद्धांत रूप से वह सबके लिए लागू पड़ेगी। इस तरह श्री गौरा के मतानुसार यह सूक्ष्म जीव रस अमर स्वा का व्यक्त रूप है। श्री गौरा यहाँ आकर रुक जाते हैं। वे इस बात की खोज नहीं करते कि कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन आदि के उस रासायनिक सामास में अस्तित्व चालू रखने की, वंश वृद्धि करने की, फैलने और बढ़ने की तथा विविध जीवन संगात रचने की इच्छा और शक्ति कहाँ से आई। इसलिए मैं कहता हूँ कि जब तक स्वा का ज्ञान अस्पष्ट रहता है तब तक ईश्वर के स्वरूप के विषय में ही नहीं उसकी हस्ती के विषय में भी अनिश्चितता ही रहने वाली है। धन्यवाद। Please download Samaram Multichannel app and watch your favorite channels from your mobile. App available on Google Play Store and subscribe to the channels. For more videos, please subscribe to this channel Positive Atheism and activate the bell icon.